हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विकास। स्वागत करता हूँ हमारा आपके यूट्यूब चैनल एडुकेटिव विकास में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को फोटोशॉप 7.0 के अंदर एक फोटो का एडिटिंग सिखाऊंगा जो आउटडोर फोटो होने वाली है। तो इस वाला फोटो एडिटिंग पे आप लोगों को सिंपल सा जो स्टेप्स इस वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा, सारे स्टेप्स को आपको फॉलो कर लेना है। और फॉलो कर लेने के बाद जो जिस तरह का मैं एडिटिंग यहाँ पे कर पाया हूँ, आप भी इस तरह एडिटिंग कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर मेरे वीडियोस पहली बार देख रहे हो तो जरूर वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे अगर नए हो तो जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास मिल जाए। तो सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को मेन फोटो जो फोटो आपने इस तरह से पोज पे आपने शूट किया है, वीडियो के स्टार्टिंग पे तो आप लोगों को दिखा ही चुका हूँ किस तरह का फोटो मैंने लिया हूँ। सेम टू सेम आपको इस तरह पोज पे आपको फोटो शूट कर लेना है। और उसके बाद ये वाला फोटो को मैं फोटोशॉप 7.0 के अंदर ओपन कर लिया और राइट क्लिक करके इमेज साइज एक बार चेक कर लेना। ये जो टाइटल बार है इसके ऊपर राइट क्लिक करके इमेज साइज चेक करना। मेरा यहाँ पे बहुत ही बड़ा इमेज साइज है तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बड़ा करता हूँ फोटो को। अभी इधर से आपको एक काम करना है, यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले एक बैकग्राउंड का जो है इसका एक डुप्लीकेट लेयर बना लीजिएगा। तो बना लिया मैंने डुप्लीकेट लेयर, राइट क्लिक करके यहाँ पे डुप्लीकेट लेयर बना लिया। तो इस वाला लेयर के ऊपर अभी काम है। इस वाला लेयर के ऊपर काम क्या है, सबसे पहले एडजस्टमेंट आइकन पे जाके यहाँ पे सबसे पहले हुई सैचुरेशन वाला एक लेयर ले लीजिए। यहाँ पे सैचुरेशन को नियर अबाउट मैं 50 के आसपास इंक्रीज करूंगा और देखूंगा कि देख सकते हो बैकग्राउंड पे कलर वगैरह आ चुकी है। तो इधर से मैंने ओके कर दूंगा। लेकिन एक चीज आप नोटिस कर लीजिएगा, यहाँ पे फेस के ऊपर और जो ड्रेस वगैरह के ऊपर रेडनेस यहाँ पे आ चुकी है। तो इसको हटाने के लिए हुई सैचुरेशन का मास्क के ऊपर क्लिक करना है। ये मास्क का कलर व्हाइट है तो मेरे को फोरग्राउंड कलर ब्लैक लेना है और ब्रश टूल को सिलेक्ट करना है। और ब्रश का साइज चलिए मैं थोड़ी सी इंक्रीज कर लेता हूँ। और ब्रश का साइज इंक्रीज करने के बाद धीरे धीरे करके जहाँ जहाँ पे मेरा रेड कलर आ चुकी थी, सेम टू सेम वहाँ पे मेरा ये सारे को ब्रश कर लेना है। तो चलिए सबसे पहले धीरे धीरे करके ओवरऑल बॉडी के ऊपर ब्रश कर लेता हूँ। तो देख सकते हो मेरा यहाँ पे रेडनेस जो था मैंने ऑलरेडी रिमूव कर चुका हूँ। अभी इतना रिमूव करने के बाद बैकग्राउंड को और भी ग्लेजी बनाना है। तो सबसे पहले आप ध्यान रखिए बैकग्राउंड के ऊपर, मैं यहाँ से सिलेक्टिव कलर अगेन एक ले लूंगा। यहाँ से रेड को फुल्ली -100 करूंगा, रेड का जो कैन है, येलो का जो कैन है इसको भी फुल्ली -100 और ये मैजेंटा जो है इसको भी फुल्ली -100 करूंगा। और इधर से ये वाला येलो को +100 और थोड़ी सी मैं 25 के आसपास से इसका ब्लैक को इंक्रीज करूंगा। अभी जाऊंगा ग्रीन के ऊपर और ग्रीन का कैन को फुल्ली 100 और इसका जो मैजेंटा है फुल्ली -100, येलो को फुल्ली 100 और ब्लैक को लिटिल बिट आपको 25 के आसपास इंक्रीज कीजिएगा। यहाँ से जाइएगा कैन के ऊपर, कैन को सबसे पहले फुल्ली 100 और इसका जो ब्लू है इसको भी कर लीजिए फुल्ली 100। तो ये बैकग्राउंड बहुत ही ब्लू टाइप का अच्छा सा एक आ जाएगा। मैं कर दूंगा यहाँ से ओके। अगेन यहाँ पे मास्क के ऊपर क्लिक करना है और इसका फोरग्राउंड कलर ब्लैक है और ब्रश टूल को सिलेक्ट करना है और जो बॉडी वगैरह के ऊपर जहाँ जहाँ पे एक्स्ट्रा कलर आ चुकी थी वो सारे को आपको अगेन रिमूव कर लेना है, क्योंकि मैं अभी बैकग्राउंड के ऊपर काम कर रहा हूँ। आपका बैकग्राउंड का जिस तरह का चाहिए आप उस तरह का बैकग्राउंड यहाँ पे सबसे पहले बना लेना। और बना लेने के बाद जो स्टेप्स इस वीडियो में दिखा रहा हूँ फॉलो कीजिएगा तो परफेक्टली यहाँ पे आपका एडिटिंग हो पाएगा। तो देख सकते हो मैंने इतना तक तो कर लिया। अभी बैकग्राउंड देख सकते हो किस तरह का लग रहा है, कलरफुल है। अभी इस कलरफुल बैकग्राउंड को मेरे को क्या करना है, मेरे को सबसे पहले इसका मतलब ब्लर ऐड करना है थोड़ी सी और भी परफेक्ट लाने के लिए। तो सिंपली ये जो बैकग्राउंड था इसका एक कॉपी अगेन ले लूँगा, डुप्लीकेट लेयर जो बैकग्राउंड कॉपी का। तो ये जो नॉर्मल लॉक किया हुआ बैकग्राउंड है ये बैकअप के लिए मैंने रखा, बाकी का यहाँ पे वर्क करूंगा। तो कंट्रोल ही दबाऊंगा इस वाला लेयर के ऊपर क्लिक करके, अगेन ये सिलेक्टिव कलर पे क्लिक किया, कंट्रोल ही दबाया तो मार्च डाउन हुआ। चेंजेस देखिए, पहले इस तरह का थोड़ी सी इस तरह का फोटो था और अभी कलरफुल है। अभी ये वाला फोटो के ऊपर से मेरे को एक काम करना है कि इसका जो बैकग्राउंड से मेरे को ब्लार करना है और मेन फोटो को हटा देना है। तो अगेन इसका एक डुप्लीकेट लेयर बना के मैं ब्लार करूंगा। तो ब्लार करने से पहले इस वाला लेयर के ऊपर यहाँ पे जो है यहाँ पे ब्लार वाला यहाँ पे डाल देता हूँ, ब्लार रीनेम कर देता हूँ और इससे सब्जेक्ट को रिमूव करना है। तो फोटोशॉप 7.0 के अंदर सब्जेक्ट तो आप डायरेक्टली रिमूव नहीं कर पाओगे, ऑटोमेटिकली नहीं कर पाओगे। तो मेरे को इसके क्लोन स्टाम्प टूल को मेरे को लेना है और लेने के बाद मैं यहाँ पे थोड़ी सी जूम करके स्टार्ट करूंगा। ब्रास यहाँ पे जो क्लोन स्टाम्प टूल का जो साइज है यहाँ पे कुछ इंक्रीज कर लिया कुछ इतना तक और अभी इस तरह से क्लिक किया और यहाँ से कुछ इस तरह से ब्रास करना स्टार्ट कर दिया। आप धीरे धीरे करके ओवरऑल फोटो को इस तरह से ब्रास करके आप यहाँ से रिमूव कर लेना। तो चलिए मैं धीरे धीरे करके थोड़ी थोड़ी करके पूरा फोटो रिमूव कर लेता हूँ।
तो देख सकते हो आपको रिमूव करना है कुछ इतना तक पार्ट, क्योंकि मैंने इस तरह क्यों रिमूव किया, आपको लगे क्या कि यहाँ पे सब्जेक्ट तो पूरा रिमूव करना चाहिए था, लेकिन मैं इस तरह से क्यों रिमूव किया, क्योंकि मेरे को अगर ब्लार ऐड करूँ नॉर्मल इस तरह सोचिए ये वाला फोटो पे, तो इस साइड पे ब्लार थोड़ी सी और भी चला जाएगा, तो इसीलिए मैं ये वाला इस तरह से रिमूव किया। अब इतना होने के बाद यहाँ पे फिल्टर पे जाना होगा इस ब्लार वाले लेयर के ऊपर ब्लार ऐड करने के लिए, और यहाँ पे ब्लार जैसे गॉसन ब्लार, इस गॉसन ब्लार का अमाउंट नियर अबाउट मैं 15 के आसपास डालूंगा, डाल के देखूंगा किस तरह का आ रही है, नहीं आ रहे तो मैं यहाँ से धीरे धीरे करके इंक्रीज करूंगा। नियर अबाउट 30 किया मैंने, 40 के आसपास गया, तो 40 के आसपास मेरा अच्छे से ब्लार आई है, तो मैं यहाँ पे 45 डाल देता हूँ, तो 45 के आसपास मेरा परफेक्ट ब्लार आ रही है। मैं यहाँ पे ओके किया, अभी ओके करने के बाद इसके ऊपर एक मास्क लूंगा और मास्क को कंट्रोल आई दबाते हुए इन्वर्ट कर लूंगा। इन्वर्ट होने के बाद यहाँ पे अगेन आपको देख सकते हो फोरग्राउंड कलर ब्लैक व्हाइट रखना है, क्योंकि मैंने ब्लैक यहाँ पे इन्वर्ट करने के बाद फोरग्राउंड कलर हो चुकी है। अभी ब्रश टूल को सिलेक्ट करना है, अभी ब्रश करना स्टार्ट कर दीजिएगा तो धीरे धीरे यहाँ से ब्रश होना स्टार्ट हो जाएगा। अब एक काम करिएगा, ब्रश का साइज थोड़ी सी इंक्रीज कीजिएगा और बाहर वाला हिस्सा पे थोड़ी सी एक्स्ट्रा से ब्रश कर लीजिएगा, और ब्रश करने के बाद मैं दिखाऊंगा कि यहाँ पे आसपास कैसे धीरे धीरे करके ब्लार किया जाता है। तो चलिए धीरे धीरे करके, तो यहाँ पे मैंने पूरा जो बैकग्राउंड था, जो बैकग्राउंड को मैंने ब्लार ऑलरेडी ऐड कर दिया हूँ। अभी ऐड कर देने के बाद अभी करना क्या है, अभी जूम कीजिएगा फोटो को, ऊपर से स्टार्ट कर सकते हो, और ब्रश का साइज थोड़ी सी छोटी से स्टार्ट करना, जैसे कि मैं यहाँ पे लिया हूँ, सेम टू सेम उसी तरह से बैकग्राउंड को छोटी से स्टार्ट करना और धीरे धीरे करके इस तरह साइड एजेस को ब्रश कर लेना। ब्रश कर लेने के बाद देख पाओगे बैकग्राउंड परफेक्टली ब्लार हो जाएगा। तो चलिए मैं धीरे धीरे करके यहाँ पे ओवरऑल ब्लार कर लेता हूँ। तो देख सकते हो बैकग्राउंड को तो मैंने परफेक्टली ब्लार कर चुका हूँ, और देख सकते हो किस तरह से ब्लार ऐड हो चुकी है। अब ब्लार जब इस तरह से ऐड हो जाएगा, अभी आपको करना क्या है, अभी ओवरऑल फोटो देख सकते हो किस तरह का है, इसके ऊपर आपको एक ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट वाली लेयर लेना है, ब्राइटनेस को आपको 10 डालना है और कॉन्ट्रास्ट को भी 10 डाल देना है, और डालने के बाद आप ओके कीजिएगा तो देख सकते हो फोटो थोड़ी सी ग्लेजी और भी हो चुकी है। अभी इसके बाद आपका काम का किसके ऊपर है, अभी देख सकते हो इसका जो शर्ट वगैरह है यहाँ पे, इसके ऊपर थोड़ी सी काम है, तो एडजस्टमेंट आइकन पे जाऊंगा, यहाँ से सिलेक्टिव कलर लूंगा और रेड चैनल को कर दूंगा क्यान कलर, और क्यान को थोड़ी सी इंक्रीज कीजिएगा, और यहाँ से मैजेंटास को नियर अबाउट फुल्ली 100 किया मैंने, योलो को इधर से -100, और यहाँ पे क्यान से जाऊंगा ब्लू के ऊपर, यहाँ पे सूट के ऊपर, मतलब यहाँ पे देख सकते हो इस सूट के ऊपर आप देख के कलर वगैरह ऐड करना, तो मैं यहाँ से क्यान को फुल्ली 100 करता हूँ, मैजेंटास को यहाँ से फुल्ली 100 के आसपास, और यहाँ से योलो को फुल्ली -100 के आसपास, और ब्लैक को लिटिल बिट इंक्रीज कर लूंगा, ये से ओके कर लूंगा। अभी ये मास्क को कंट्रोल आई दबाते हुए इन्वर्ट करना है, और ब्रश टूल को सिलेक्ट करना है, फोरग्राउंड कलर आपको व्हाइट रखना है, और धीरे धीरे करके इस तरह से इसके शर्ट के ऊपर आपको ब्रश कर लेना है। तो चलिए यहाँ पे इसका सूट के ऊपर मैं ब्रश कर लेता हूँ, और उसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट वाला स्टेप्स दिखा देता हूँ। तो अभी देख पाओगे किस तरह से सूट का कलर यहाँ पे चेंज हो चुकी है, परफेक्टली चेंज भी हो चुकी है। यहाँ पे अगर हुई सेचुरेशन वाला भी ऐड करना चाहते हो तो ओके करना, हुई सेचुरेशन एक लेके ऑल्ट दबा के दो लेयर में बीच में क्लिक कर देना, और यहाँ से सेचुरेशन को लिटिल बिट इस तरह से इंक्रीज कर लेना, और यहाँ से ओके करना, तो देख सकते हो परफेक्टली यहाँ पे इस तरह हो चुकी है। अब जब इस तरह से हो जाएगा, अभी करना क्या है, अब स्किन के ऊपर भी काम है, तो स्किन का करेक्शन वगैरह करना है। तो सबसे पहले देखिए, ये तो बाकी का पार्ट तो मैंने एडिटिंग कंप्लीट कर चुका हूँ, तो अभी ये ब्लार वाला देख सकते हो, ब्लार वाला से स्टार्ट कीजिएगा, कंट्रोल ई दबाना, तो ये कंट्रोल ई दबाया, मार्च डाउन हुआ, ये मार्च डाउन किया, सारे को एक बार क्लिक कीजिएगा, कंट्रोल ई दबा के मार्च डाउन कर लीजिएगा, तो फोटो का चेंजेस देख सकते हो किस तरह का हुआ है। अभी इस वाले फोटो के ऊपर आपको सबसे पहली चीज जो है, आप एक डुप्लीकेट लेयर अगेन बनाइएगा, और यहाँ से एडजस्टमेंट आइकन पे जाके सबसे पहली जो चीज़ होती है वो हुई सैचुरेशन वाला होती है, यहाँ से आपको रेड को चूज करना है, और रेड का सैचुरेशन को लिटिल बिट डाउन कर देना है नियर अबाउट 30 के आसपास, और ओके कीजिएगा, क्योंकि मेरे को स्किन के ऊपर रेडनेस वगैरह था। तो ये जो मास्क है, कंट्रोल आई दबा के इन्वर्ट किया, अभी ब्रश टूल को सिलेक्ट करना है, फोरग्राउंड कलर आपको व्हाइट रखना है, अगेन आपको पूरा जहाँ जहाँ पे स्किन है वहाँ पे ब्रश कर लेना है, क्योंकि मेरे को यहाँ पे रेडनेस को हटाना है। तो चलिए धीरे धीरे करके मैं तो ओवरऑल फोटो के ऊपर से जहाँ जहाँ पे यहाँ पे रेड था ब्रश करके रिमूव कर लेता हूँ, और उसके बाद आपको सबसे पहले इसके ऊपर जो ब्लार वगैरह ऐड करना है जो स्किन रिटचिंग के लिए, तो वो कैसे करना है दिखा देता हूँ। सबसे पहले इसको कंट्रोल ही अगेन दबा लीजिएगा, और इसका ये जो लेयर है एक देख लीजिए, सबसे पहले रेडनेस कम है, तो इसके ऊपर आपको एक ब्लार ऐड करना है, तो फिल्टर पे जाऊँगा, ब्लार पे जाऊँगा, यहाँ से गॉसन ब्लार लूँगा, आप जूम कीजिएगा, और गॉसन ब्लार का अमाउंट
5 के आसपास से देखिए किस तरह का आ रही है, तो मेरा 5 पे परफेक्ट आ रहा है। तो यहाँ पे ओके किया। अभी ये वाला लेयर के ऊपर एक मास्क लेना है, कंट्रोल आई दबा के मास्क को इन्वर्ट कर लेना है। अभी वो फोटो को थोड़ी सी जूम कीजिएगा कुछ इस तरह से, ब्रश का साइज छोटी करना और धीरे धीरे करके ओवरऑल फोटो के ऊपर इस तरह से ब्रश करना। तो ब्रश करने के बाद आप भी देख पाओगे कि किस तरह से यहाँ से स्किन रिटच वगैरह हो रही है, परफेक्टली किस तरह से यहाँ पे एडिटिंग वगैरह हो रही है। तो आपको दिख रहा है स्किन के ऊपर कि किस तरह से यहाँ पे ब्लर वगैरह ऐड करने के बाद स्मूथ हो रही है इसका स्किन। तो चलिए धीरे धीरे करके ओवरऑल स्किन के ऊपर मैं यहाँ से ब्रश कर लेता हूँ। तो देख सकते हो मैंने स्किन के ऊपर तो ब्लर ऐड कर चुका हूँ। अभी ब्लर ऐड करने के बाद भी फिर एक चीज़ देख लीजिए, रेडनेस थोड़ी सी यहाँ से इस तरह से रह गया है। तो आपको ब्रश का साइज जो है, जो ओपेसिटी है, ओपेसिटी को एक बार घटा दीजिएगा 10 के आसपास और धीरे धीरे करके इस तरह से आप ब्रश कीजिएगा जो बालों वगैरह के ऊपर, तो थोड़ी सी यहाँ से रेडनेस यहाँ से घट जाएगा। तो आप उसके बाद देख सकते हो किस तरह का यहाँ पे हो रही है। तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी पार्ट रह गया था उसको आपको ओपेसिटी को इंक्रीज करूँगा और ब्रश टूल को सिलेक्ट करके ब्रश टूल का जो साइज है वो थोड़ी सी डिक्रीज करूँगा। और अभी देख सकते हो धीरे धीरे करके मैं इस तरह से यहाँ पे भी ऐड कर चुका हूँ। अभी ओवरऑल फोटो लॉन्ग से देखिए, दूर से देखिए किस तरह का आ रही है। अभी इतना होने के बाद अभी करना क्या है, तो ओवरऑल फोटो के ऊपर ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट अगेन ऐड करना है। तो यहाँ पे ब्राइटनेस को फेस के मुताबिक आपको देख के इंक्रीज करना है, 9-10 के आसपास है, ओके किया। ऑल द बात ये दो लेयर के बीच में क्लिक करूंगा तो देखूंगा तो यहाँ पे किस तरह का आ रही है। तो इतना हुआ। अभी एक चीज़ देख लीजिएगा, यहाँ पे सबसे पहले एडजस्टमेंट आइकन पे जाके सिलेक्टिव कलर लूँगा, उसका रेड का जो ब्लैक है ब्लैक को डिक्रीज करूंगा 40 के आसपास और इसका जो येलो है इसको भी डिक्रीज करूंगा 40 के आसपास, 40-52 के आसपास। ये मैं ओके किया। ये मास्क को कंट्रोल आई दबाते हुए इन्वर्ट करूंगा, ब्रश टूल को सिलेक्ट करूंगा, फोरग्राउंड कलर आपको व्हाइट रखना है और रखने के बाद अगेन ब्रश का साइज थोड़ी सी यहाँ पे इंक्रीज करके अगेन पूरा ओवरऑल स्किन के ऊपर ब्रश करूंगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी व्हाइट सा फील यहाँ पे लाएगा, मैं तो स्किन थोड़ी सी गोरा गोरा कर देगा ये वाला लेयर। तो चलिए धीरे धीरे करके यहाँ पे भी मैं पूरा स्किन के ऊपर ब्रश कर लेता हूँ धीरे धीरे करके। और ब्रश कर लेने के बाद आप लोगों को दिखाऊंगा यहाँ पे आउटपुट किस तरह का आया है और भी क्या क्या स्टेप्स यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा। तो चलिए देख सकते हो मेरे स्किन के ऊपर ब्रश करना कंप्लीट हो चुकी है और फोटो देख सकते हो कितना गोरा गोरा लग रही है। अभी ओवरऑल फोटो के ऊपर एक ही लेयर मैं ऐड कर सकता हूँ, वो है कलर बैलेंस। कलर बैलेंस का हाइलाइट्स पे जाइए, हाइलाइट्स का जो ब्लू है वो ब्लू को नियर अबाउट 25 के आसपास इंक्रीज कर दीजिए। इसका जो मैजेंटास एंड ग्रीन मिलेगा यहाँ पे, तो ग्रीन के साइड पे प्लस 10 किया और क्यान एंड रेड जो है यहाँ पे क्यान के साइड पे अभी माइनस 10 किया। अभी मिड टोन्स पे जाऊंगा, मिड टोन्स का ब्लू को प्लस 10 के आसपास इंक्रीज करूंगा और एग्जाम पे जो मैजेंटास के साइड पे माइनस 5 करूंगा, इसके रेड के साइड पे प्लस 5 करना है और यहाँ पे ओके कर देना है। अभी ओवरऑल फोटो ए वाला लेयर की वजह से देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है। अभी ओवरऑल फोटो को आपको अगर पहली वाली को दिखाऊं तो सारे को आपको पता चल जाएगा किस तरह का फोटो एडिटिंग हुआ है। तो चलिए सारे को मैं यहाँ पे कंट्रोल ई दबाते हुए मास्क डाउन कर लेता हूँ और मास्क डाउन करने के बाद आपको दिखाऊंगा यहाँ पे चेंजेस किस तरह का आया है। अभी देख सकते हो फोटो पहले था कुछ इस तरह का और एडिटिंग करने के बाद कुछ इस तरह का है। तो चेंजेस तो आप लोगों के आंखों के सामने ही दिख रहा है कितना परफेक्ट चेंजेस हुआ है, यहाँ पे आप लोगों को पता चल गया है। अगर ये वाला एडिटिंग आप लोगों को पसंद आती है, ये वाला ट्यूटोरियल आप लोगों को हेल्पफुल होते हैं तो जरूर वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर अगर नया हो तो जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। तो चलिए मिलते हैं नए कोई एडिटिंग के साथ, नए कोई ट्यूटोरियल के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।